भागवत कहाँ सुननी चाहिए? भूमि का बड़ा महत्व होता है साहब। हाँ, कोई कोई भूमि ऐसी होती है जगी होती है, हंसती हुई भूमि होती है। कोई कोई भूमि बड़ी उदास होती है, रोती हुई। वहां उस भूमि पर कोई दुकान बना ले या कोई बिजनेस कर ले तो घाटा घाटा ही होता रहता है, सब चौपट होता जाता है, भूमि का दोष होता है। और कोई कोई भूमि ऐसी होती है ना जागी होती है न रोती होती है तो सोई हुई होती है। वहां कोई बिजनेस करो तो न तो लाभ होने वाला है न घाटा होने वाला है, वैसा का वैसा पड़ा रहता है। तो भूमि का बड़ा महत्व होता है। श्रीमद् भागवत के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त है, कहां होनी चाहिए भागवत, बताया श्रीमद् भागवत में कि भागवत की कथा सबसे अच्छी बात तो यह है किसी तीर्थ में हो, हरिद्वार हो, बद्रीनाथ में हो, नैमिषारण्य में हो, बद्रिकाश्रम में हो, वृंदावन में हो, किसी तीर्थ में हो, कोई भी तीर्थ, या तो किसी पवित्र सरिता के तीर पर हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ऐसी पवित्र नदियां जो हमारे देश में हैं उसके तीर पर हो, अथवा तो मंदिर के प्रांगण में हो, किसी देवालय के छत्र छाया में। या तो फिर एक संत ने कहा कि नहीं, जहां कथा होती है ना वहीं सारे तीर्थ आ जाते हैं, तत्रैव गंगा यमुना सरस्वती। अब जब से कथा ग्रीन पार्क मुंगेली इलाका में हो रही है, आप देखो ना ये ग्राउंड कितना सुंदर लगने लग गया है। ये कोई पांडाल का डेकोरेशन के कारण नहीं, जब से कथा शुरू हुई है यहां सारे देवता आकर बैठ गए हैं, सारे तीर्थ आकर के विराजमान हो गए, सारी नदियां आकर के यहां विराजमान हो गई अदृश्य रूप में। ये उनका सौंदर्य है। तत्रैव गंगा यमुना सरस्वती। तीसरी बात, भागवत के लिए वक्ता कैसा होना चाहिए, अपनी भी बात में बता रहा हूं, भागवत के लिए वक्ता कैसा हो, कौन योग्य है भागवत कथा के लिए, किससे सुनना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। पहली बात, संसार में कहीं मति आसक्त न हो, न नाम में न दाम में, अनासक्त हो, विरक्त हो, वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु का उपासक हो, अथवा तो भगवान विष्णु की तरह व्यापक दृष्टि वाला हो। कौन है वैष्णव? हमारे गुजरात के तो नरसिंह मेहता ने बड़ी सुंदर डेफिनेशन दी, बड़ी सुंदर व्याख्या। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे। जो पराई पीड़ा को समझ पाए वो वैष्णव। पर दुखे उको पार करे तुए मन अभिमान ना आवे
वैष्णव जन को तेरे वीर पनाहे वैष्णव जन तो तेरे दर्द पराई जाने रे दर्द पराई जाने दर्द पराई जाने दर्द पराई जाने विरक्तो वैष्णव कौन है वैष्णव पर दुखे उपकार करे मन अभिमान न आवे दूसरों के दुख में जो कूद पड़े उनकी सहायता करने के लिए और फिर भी कभी अभिमान न हो मन में कोई अभिमान नहीं बड़े से बड़ा सेवा का कार्य कर दे फिर भी कोई अभिमान नहीं निराभिमानी हो वो है वैष्णव तीसरी बात बताई भागवत का वक्ता विप्र होना चाहिए विप्र का एक अर्थ ब्राह्मण भी होता है लेकिन दूसरे अर्थ में कहा जाए विवेक प्रधान जीवन जीने वाला विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत भागवत का वक्ता वेद शास्त्रों का मर्मज्ञ होना चाहिए संस्कृत भाषा का कम से कम ज्ञान होना चाहिए हाँ दृष्टांत कुशलो गूढ़ से गूढ़ बात को भी समझाने के लिए जो एग्जाम्पल देकर दृष्टांत देकर आपको समझा सके ऐसा दृष्टांत कुशल और भागवत का वक्ता चंचल नहीं होना चाहिए ध्यान देना धीरो धैर्यवान होना चाहिए उसकी वाणी में धैर्य हो स्वभाव में धैर्य हो विचारों में धैर्य हो बहुत चंचल नहीं होना चाहिए धैर्यवान दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय पांचवी बात बताई भागवत का वक्ता अति निष्प्रिय होना चाहिए निष्प्रिय का अर्थ साधारण भाषा में समझाऊं निष्प्रिय का अर्थ आप ऐसा समझो कि जो यजमान से उसके हित की बात कहने में संकोच न करे डरे ना कई बार ऐसा भी होता है कि वक्ता लोग या ब्राह्मण लोग हित की बात कहने में भी ना थोड़ा संकोच करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो यजमान नाराज हो जाए भड़क जाए और हमारी दक्षिणा में कटौती कर दे हाँ इसलिए हित की बात कहने में भी जो संकोच करते नहीं भागवत का वक्ता ऐसा नहीं होना चाहिए यदि हित की बात है तो उसको कहना ही चाहिए ऐसा अति निष्प्रिय होना चाहिए ऐसे भागवत के वक्ता से कथा सुनने का निर्णय करो और देखो कथा में जो पांडाल हो मंच पर दाहिनी तरफ भगवान कृष्ण विराजमान हो वहाँ नौ ग्रहों की पूजा हो नित्य ठाकुर की पूजा हो और यहाँ आप देख सकते हैं कल भी हमने आपको बताया था कि एक पांच पांच ठाकुर जी ब्रज से आए वृंदावन से पधारे और ये विलासपुर में कथा सुनने के बाद कुछ भक्तों को दिए भी जाएंगे अभी तो वो कथा सुन रहे हैं पांच ही हैं और श्रोता इतने हजारों हैं और इनमें से केवल पांच को दिया जाएगा अब कौन है वो पांच आपका भाग्य है हाँ तो कथा सुनते सुनते आपकी यदि श्रद्धा है
कि ये कथा वाले ठाकुर जी वृंदावन से हमारे घर पधारें और हम उनकी सेवा करें, हमारे बच्चों को संस्कार मिले, हमारे घर में ठाकुर आएं, तो आप बड़ी श्रद्धा से वहाँ हमारा जो कार्यालय है वहाँ अभी से आप नाम नोट करा दें। अंतिम दिन मैं स्वयं उन सभी नामों पर विचार करके कृष्ण की इच्छा से, हाँ मेरी इच्छा से नहीं, कन्हैया की इच्छा से वो जिनके घर जाना चाहेंगे उनको वो ठाकुर जी दिए जाएंगे। तो जो भी इसमें से श्रद्धावान हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम ठाकुर की सेवा कर पाएंगे तो अपना नाम आप लिखवाइएगा और अंतिम दिन कथा सुनने के बाद सीधे पांडाल से आपके साथ ही कन्हैया आपके घर। तो यशोदा मैया बनकर या लाला मानकर, इष्ट देव मानकर, जो भी मानकर आपको पूजन करना हो बड़े भाव से पूजन करना। और जब कभी वृंदावन जाने का मन हो तो कन्हैया को साथ ले जाना, राधा रानी से मिलवा लाना, केवल बिलासपुर मत छोड़े रहना उसको। तो ऐसे भाव से, ठाकुर तो भाव के भूखे हैं। तो कथा पांडाल में एक तरफ दाहिनी तरफ भगवान का दरबार लगे, नौ ग्रहों की और वरुण देवता की, खोडश मातृका की नित्य पूजा हो, खोडशोपचार या पंचोपचार से। और आसुर्योदय आरभ्य सारधरती प्रहरांतकम, कथा कितनी देर सुननी चाहिए, सूर्योदय से कथा आरंभ हो जानी चाहिए, मध्यान्ह में दो घड़ी का विराम हो फिर कथा स्टार्ट हो जाए और सायंकाल सूर्यास्त तक कथा चले, मतलब 10.5 घंटे कथा रोज होनी चाहिए। कितने घंटे? 10.5 घंटे। सोचो, और तुम कितनी देर के लिए आते हो? 3 घंटे। हाँ, और उसमें भी हमारे कई प्यारे श्रोता तो ऐसे हैं 5:30 बजे घर से निकलते, और प्रसाद वाले की तो बात ही छोड़ो। हाँ, जो प्रसाद वाले लास्ट में आते, और 3 घंटे में भी कहाँ पूरी कथा होती है। 1 घंटा तो आप यूं समझ लो भजन कीर्तन में निकल जाता है, 2 घंटे कथा होती है। अब 10.5 घंटे वाली कथा 2 घंटे में कहाँ संभव। फिर भी जितनी देर कथा मिले, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनी आप भाव से सुनो। और अब देखो कथा का नियम एक और बताया, जब तक कथा चले तब तक हो सके तो व्रत रहकर कथा सुनो। और अभी तो अच्छा समय है, नवरात्रि चल रहा है। हाँ, लगभग हमारी सभी माताएं व्रत होंगी, नहीं क्या? ऐसा है, मुझे तो कोई कह रहा था कि विलासपुर में सब माताएं व्रत रहती, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। हो सके तो, मैंने इसलिए शुरू में कहा हो सके तो व्रत रहकर कथा सुने। ज्यादा भूख लगती हो तो 1 टाइम फलहार कर लो और 1 टाइम भोजन कर लो, ऐसा करो। अभी भी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों टाइम खा लो, लेकिन इतना खाना कि कथा में जब बैठो तो निद्रा देवी आपको परेशान न करे, इतना खाना। अति सर्वत्र वर्जय। तो एक ऐसा नियम बताया गया कि हो सके तो फलहार लेकर के कथा सुने, और जब तक कथा चले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 विकारों से वक्ता श्रोता को दूर होना चाहिए। ये सब कथाओं के नियम, जितना वैसे नियम तो बहुत सारे बताए गए हैं, जितना पालन हो सके भाई उतना पालन करना चाहिए। इस प्रकार से कथा का नियम बताया, और कथा के अंत में सुखदेव जी वहां पधारे, नारद जी और सनत कुमारों के बीच। तो जैसे ही सुखदेव जी आए तो सनत कुमारों ने उनको गद्दी पर बिठाया, प्रणाम किया, स्तुति गाई और निवेदन किया कि महाराज आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द आप भी बोलिए।
तब सुखदेव जी बड़ा प्यारा वक्तव्य देते हैं। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमोचे नरः। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। आप 18 पुराणों को निकाल कर देख लो, ये श्रीमद् शब्द और किसी में नहीं, केवल और केवल श्रीमद् भागवत में। ये श्रीमद् शब्द माता लक्ष्मी ने स्वयं भागवत जी के ऊपर तिलक लगाया, पुराणों का तिलक। और वैष्णव जनों का तो ये परम धन है साहब, वैष्णवों के पास यही तो धन है। इस भागवत को सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। शर्त यह है, परीक्षित की तरह यदि समर्पित होकर सुना जाए और सुखदेव की तरह संत बनकर गाया जाए, पठन पाठन से जीव मुक्त हो जाता है। बाद में सब लोगों ने मिलकर बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन किया है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।